नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू भाई ब्लॉग में। तो आज का हमारा ब्लॉग है मोटा बाड़िया गांव मांडी तालुको कच्छ। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे अभी ये 2 से 3 एकड़ में यहां पे गौशाला है। आप देख पा रहे होंगे पूरी गौशाला आपको बताएंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 700 से 900 यहाँ पे कांकरेज कोप है और यहाँ पे 3-4 कांकरेज बुल है, आपको दिखाएंगे। तो पहले तो आपको कोप दिखा दें तो फिर हम वो कांकरेज बुल भी आपको दिखाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं बहुत शानदार गौशाला, 3-4 एकड़ से ज्यादा होगी ये शायद। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छी नस्ल की कांकरेज कोप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक में कांकरेज बुल है, ये रहा। ये थोड़ा अटैक करता है इसलिए हम इसके बाजू में नहीं जाएंगे, आपको दूर से ही बताएंगे। आप देख पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा ये अटैक करता है इसलिए हम यहाँ दूर से वीडियो शूट कर रहे हैं। और दूसरे वो रहा, वो बहुत स्वभाव शांत है, आप देख पा रहे हैं। ये 3-4 कांकरेज बुल है क्योंकि यहाँ पे कॉप ज्यादा है इसलिए 3-4 तो कांकरेज बुल चाहिए, इसलिए 3-4 ये 700-800 गायों के लिए। आप देख पा रहे हैं दूसरा ये रहा। स्वभाव का शांत आप देख पा रहे होंगे, स्वभाव का शांत है आप देख पा रहे होंगे। ये कभी भी कोई भी आए यहाँ पे आ जाएगा, छोटा बच्चा भी आ जाएगा, इसको कभी भी अटैक नहीं करेगा। वो बुल ब्लैक में बताए वो अटैक करेगा। आप देख पा रहे हैं स्वभाव का बहुत शांत है, देख पा रहे हैं इसकी बछड़ी और बछड़ा बहुत शानदार आता है, बहुत शानदार है यह कांकरेज बुल। तो अब हम आपको दूसरा सफेद में कांकरेज बुल है वो बताएंगे, वहां पे कभी कॉप हिट में आई है वो बुल आपको आवाज बताते हैं। अब देख पा रहे हैं शोभा का बहुत शांत है, तो वो आप देख सकते हैं अटैच भी करेंगे तो कुछ भी नहीं करेगा। आप देख पा रहे हैं मेरा हाथ पहुंच रहा हूँ फिर भी नहीं पहुंच रहा, आप देख पा रहे होंगे बहुत शानदार है। क्योंकि ये अटैक नहीं करता, आप देख पा रहे हैं मैं इस पे हाथ भी फेर रहा हूँ, बहुत शानदार है। और यहाँ पे आप इसकी आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत शानदार इसकी कैल्फ आती है। और ये दूसरे कैमरामैन वो बताइए, ये रही है आप देख पा रहे होंगे सामने जा रही है सफेद में। इस कांकरेज गौशाला के कांकरेज बुल की है, बहुत बढ़िया है कांकरेज बुल। यहाँ पे आप मुलाकात करना कभी भी आ जा सकते हो मोटा बाड़िया मांडवी कच्छ, यहाँ पे बहुत बड़ी गौशाला है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हरा और सूखा चारा 200 से 300 मण आराम से आ जाता है, सूखा और हरा चारा। कभी कभी ज्वार आती है, कभी मकई आती है, कभी बाजरे का चारिया आता है। आप देख पा रहे हैं अभी दूसरी गायों आने वाली है यहाँ पे, अभी यहाँ पे थोड़ी गायों है तो दूसरी आए वो आएगी तब हम वीडियो बनाएंगे।